बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ साजिद अली। हम अपने प्रोग्राम सच्ची ज़िंदगी में आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद ज़मीरुल हसन साहब क़िबला। आज का मौजू है माह रमज़ान और हमारी ज़िम्मेदारी, उसी के उन्वान से आइए क़िबला से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्दुलिल्लाहि व सलातु व अलैहा अम्मा बाद। हुक्म परवरदिगार है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। इसी में पूरा फ़लसफ़ा भी सिमटा हुआ है कि माह रमज़ान मुबारक से मुतअल्लिक अगर हम देखें कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, तो क्योंकि अहले ईमान से परवरदिगार ख़िताब कर रहा है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमसे पहले की उम्मतों पर रोज़ा फ़र्ज था। अब उसके बाद इल्लत बताई लअल्लकुम तत्तकून, हो सकता है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो ये ख़ुद वाज़े कर रहा है कि माहे सियाम की अजमतों में से एक अजमत यह है कि इंसान अपने को खुदा शनास बना ले, खुदा तर्स बना ले, खुदा का खौफ उसके दिल में समा जाए। ज़ाहिर है इसके लिए परवरदिगार आलम ने नफ्स की बुलंदी और पाकिजगी इंसान को हासिल हो सके, शायद इस बुनियाद के ऊपर उसने ये 30 दिन इंसान के ऊपर फ़र्ज़ किए हैं कि जिनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें कि जो इंसान के लिए यूँ आम तौर पर जवाज़ का पहलू रखती थी, मगर माह रमज़ान मुबारक में उसे जवाज़ का पहलू नहीं दिया गया, दिन भर रोका गया। खाने पीना ले लिए, खाना पीना। अब जाहिर है कि इंसान जब खाने पीने से परहेज़ कर रहा है तो उसका एक असर उसके नफ्स के ऊपर होना है। कुल ज़िम्मेदारी हमारी आकर इन तमाम इबादात में एक ही बनती है कि हम अपने को मुत्तकी बना लें, खौफ खुदा में अपने को डुबो ले जाएं। इबादतों का मकसद ही है कि कमाल नफ्स हासिल हो जाए। इबादतों का मकसद ही है कि हम उस मंजिल पर चले जाएं कि जहां पर परवरदिगार हमको पहुंचाना चाहता है। लअल्लकुम तत्तकून ये ख़ुद बता रहा है कि हो सकता है कि तुम साहिब तक्वा बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, ये ख़ुद बता रहा है। अब मसला ये है कि मुत्तकी हम हुए कि नहीं हुए कैसे पहचाने। तो जाहिर है कि इसके लिए भी अथार ने हमारे लिए बहुत सी अलामतें बयान की हैं। मुत्तकियों की अलामत क्या है, मुत्तकियों की पहचान क्या है, मुत्तकियों के सिलसिले में उनके सिफात क्या हैं, उनके औसाफ़ क्या हैं। तो जब हम उन सिफात को, उन औसाफ़ को अपने अंदर तलाश करेंगे तो ख़ुद ब खुद मालूम होगा कि हमने इस ज़िम्मेदारी को अपनी पूरी किया कि नहीं जिस ज़िम्मेदारी की तरफ हम बुलाए गए हैं। रोज़ा फाके का नाम नहीं है जो माह रमज़ान मुबारक में हमको मेहमान बनाया, 30 दिन परवरदिगार आलम ने अपने दस्तरखाने ज़ियाफ़त पर बिठाकर नेमतों के अंबार रख दिए। इन नेमतों से की कदर कीमत को हम पहचाने और महसूस करें कि क्या दिन भर हमको भूखा रखा परवरदिगार आलम ने सिर्फ इसलिए कि उसके पास कोई नौज़ुबिल्लाह कमी थी? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उसने हमारे लिए एक रास्ता फराहम किया है कि हम कितनी तलाश, कितनी मेहनत, कितना कदोकाविश अपने परवरदगार की रज़ा को हासिल करने के लिए कर रहे हैं। हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, हम वाकई इंसान बन जाएं। हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, हम वाकई बंदे बन जाएं। हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, ये जो हमारा मौजू दिया गया कि माह रमज़ान और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, हमारी ज़िम्मेदारियों से मुराद यही है कि बंदगान इलाही की ज़िम्मेदारी इस माह रमज़ान में क्या है। कुछ इस्तेहबाब की चीज़ें हैं जो इंसान के ऊपर आयद होती हैं
और वो भी इसीलिए आए दुनिया के इंसान तरक्की करके उस कमाल की मंजिल की तरफ जा सके। मसलन इन्फाक, मसलन रहम दिली, मसलन इफ्तार कराना, मसलन एक दूसरे के लिए उर्सान हाल बनना, कसरत तिलावत, ये सारे फ़राइज़ हैं कि जो हमें माह रमज़ान में हमारे लिए रखे गए हैं। हत्ता एक खजूर से भी किसी का इफ्तार कराना, इसकी भी बड़ी फजीलत बयान की गई है। तो ये सारी चीज़ें किस लिए बताई गई हैं? ताकि हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो, हम अपने अंदर ईसार का पहलू पैदा करें, हम अपने को संवार सकें, हम अपने को बारगाह आदियत के लायक बना सकें, उन मंजिलों तक ला सकें। देखिए ये इन्फाक करने की बात जहाँ तक है तो ये तो परवरदिगार आलम ने मोमिन की अलामत ही में से रखा है कि वह मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, जो मुहदल लिल्मुत्तकीन से जो गुफ्तगू शुरू किया उसमें भी परवरदिगार आलम ने कैफियत रखी है कि ये ईमान रखते हैं कह के ऊपर, गैब के ऊपर, फला फला नमाज कायम करते हैं वगैरह वगैरह। वह मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, जो ये खुद एक कैफियत है कि जो कुछ हमने इन्हें दिया हुआ है इसमें वो इन्फाक से काम लेते हैं। हमें क्या नहीं दिया परवरदिगार आलम ने, क्या नहीं अता किया है, हम गौर तो करें। जो कुछ हमें अता किया है बदसूरत रिस्क, उन सब में इन्फाक करना है। अगर हमारे लिए परवरदिगार आलम ने रहम दिली का जज्बा पैदा किया है तो इस रहम दिली में इन्फाक करना पड़ेगा। कैसे इन्फाक करें, किस पर इन्फाक करें, लोग यही परेशान रहते हैं। हम समझते हैं सारा खैर ये है कि हमने किसी गरीब के हाथ में 2 रुपए रख दिए तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने इन्फाक कर दिया। नहीं, ये माह रमज़ानुल मुबारक जो हमें आरास्ता और पैरास्ता करने के लिए परवरदिगार आलम ने दिया है, जिसमें हमारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए हैं, यहीं इज़हार और क़ुरबानी की सारी कैफियतें जो हमारे पास पाई जा रही हैं और बयान की गई हैं, हमें इसी जगह पर आम तौर पर लोग मुतवज्जे नहीं होते हैं, सोचते हैं कि इन्फाक का मतलब है कि बस जेब से पैसा खर्च करो तो इसी का नाम इन्फाक है, माल खर्च करो तो इसी का नाम इन्फाक है। नहीं, अगर इसका नाम इन्फाक होता तो परवरदिगार क्यों कहता कि कुल मान फ़क्तुम मिन खैरिन फ़लिल वालिदैन वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वइब्न सबील, जो कुछ तुम खैर की राह में खर्च करना चाहते हो, जो कुछ नेकी तुम खर्च करना चाहते हो वो कहाँ करो, फ़लिल वालिदैन पहले वालिदैन को रखा, वल अक़रबीन फिर नज़दीकी क़राबतदार को रखा, फिर यतीम, फिर मिस्कीन, फिर इब्ने सबील, ये सारी कैफियतें कुरान मजीद ने इन्फाक की राह, मा अनफक्तुम मिन खैरिन, जो तुम भलाई करना चाहते हो, जो इन्फाक करना चाहते हो, जो तुम नेकी करना चाहते हो, किसी भी तरीके की नेकी उसमें इन्फाक करो। इस इन्फाक को किधर ले जाओ, तो पहला दर्जा रखा है वालिदैन के लिए। इसका मतलब यह है कि हमारी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है कि हम अपने को देखें कि हम वाकयन बंदे परवरदिगार बन सके कि नहीं, हम वाकयन दस्तखाने परवरदिगार के लायक बन सके कि नहीं, ये देखें हमारे अंदर कितना जज्बा अपने वालिदैन के एहतराम के लिए और उनके इताअत के लिए पैदा हुआ, कितना हम उनकी बात सुनने के काबिल बन सके, कितना हम उनको समझ सके, कितना हम उनके काम आ सके, ये है इन्फाक। हम खाली 2 पैसा खर्च करने की बात ना करें, जाहिर है कि वो है अपनी जगह पर, राय खुदा में माल का खर्च करना, जो सुनू नाम वालों युनफकू नाम वालों फी सबीलिल्लाह, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, वहाँ माल खर्च करने की बात है, उसमें भी बात आती है, कौन कराबतदार, कौन सिला रहम का जज्बा, ये सारी चीज़ें जो हमारे सामने आ रही हैं, हम देखें उलिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, जहाँ जहाँ गुफ्तगू हो रही है, पहले कहा जा रहा कराबतदार, नज़दीकी रिश्तेदार, क्या मफहूम है इसका? हम अपने घर के अंदर झांक कर देखने को जो तैयार ना हो सके वो बाहर की क्या खबर लेगा? हम अपने अजीज़ों और अकारीब में हम अगर ये ना देख सकें कि वो किस तरीके से तंग दस्ती के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब हम इन्हीं को नहीं देख सकेंगे तो दूसरे को क्या देख सकेंगे? माह रमज़ान जहाँ इंसान को अपने नफ्स के संवारने का हुक्म दे रहा है वहीं इन चीज़ों की तरफ भी मुतवज्जे कर रहा है। मैं उस मंजिल में नहीं जाऊँगा, आमतौर पर जो गुफ्तगू
की जाती है। मैं तो सिर्फ इस्लाह नफ्स के मुतालिक आकर करूँगा कि ये रमज़ान हमें अपने नफ्स की इस्लाह का कितना मौका देता है। ये माह रमज़ान और हमारी जिम्मेदारी जो है, हमने समझा ही नहीं। हम जो चीज़ समझ है सोचते हैं बस एक फरीज़ा हमारे ऊपर आ गया लिहाजा हमको नहीं, हमें देखे फरीज़ा ही फ़कत नहीं है। ये जो हमसे हुक्म दिया गया रोज़ा रखने का, जो हमें बुलाया गया, ये फ़कत इसलिए नहीं बुला दिया गया कि तुम खाली खाने पीने से परहेज़ कर लो, नहीं। वो गुफ्तगू आपको याद होगी कि मौला के साथ जाने वाला साथी जा रहा है और जाते वक्त उसके गुलाम को उसने पुकारा और नहीं बोला तो उसने एक लफ्ज़ माँ की गाली, जिसको अपने लफ्ज़ों में कहा जाए कि वो माँ की गाली के तहत वलदुल हराम तहत, तो उस वक्त इमाम ने कहा कि तुम तो कह रहे थे कि हम रोज़ा से हैं, रोज़े से हैं। हाँ मौला रोज़े से हैं। कहिए कैसा रोज़ा कि ज़बान में तुम्हारी ऐसी लफ्ज़ है? इसका मतलब यह है कि नफ्स को रोकने का, और यही तारीफ भी की गई है, असौम हुआ कफ़ुन नफ्स अनिल अक्ल व शुर्ब, ये जो तारीफ़ की गई है वहाँ यही जुमला कहा गया है कि अपने नफ्स को बाज रखना, अपने आप को रोक लेना इन चीज़ों से, यही हमारे पास नहीं है। नूर साहब कितने बड़े रोज़ेदार हैं क्या कहना हो मत पूछिए, लेकिन सुबह से ही आगाज़ जो हो रहा है वो इनकी शिकायत, उनके इल्ज़ाम, उन पर तोहमत, उन पर, ये कौन सा रोज़ा है जो हम कर रहे हैं? इनकी कटौती, उनके माल मारना, उनका हजम करना, ये कौन सा रोज़ा है भाई? रोज़े का मतलब ये कि हम समझें तो कि हम किसके लिए ये काम कर रहे हैं, किसने हमको रोका है, किन चीज़ों से रोका है। नज़र व फ़िक्र, इस्लाम दीन फ़िक्र है, दीन तफक्कुर है। इस्लाम कोई फ़कत ज़बान के हिलाने और लफ्ज़ों के ज़बान पर जारी करने का मतलब नहीं है कि हम कह दें तो बस इतना हो गया, नहीं। इसीलिए हमारा सारा मामला है कि सारे आमाल का दरमदार नीयत पर रखा गया है। क्यों? इसलिए कि नीयत का ताल्लुक दिल से, जब दिल पाकीज़ा होगा तो आमल के अंदर इखलास पैदा होगा। हमें ये चीज़ों की तरफ मुतवज्जे होना है। माह रमज़ान मुबारक, देखिए मैं कोई नसीहत और वाज करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन हम मुतवज्जे ज़रूर करना चाहता हूँ कि आने वाला महीना जिसका हम इस्तकबाल करें, यह माह रमज़ान मुबारक 3-4 रोज़ रह गए हैं मुझसे जिस वक्त ये गुफ्तगू ली जा रही है, 3-4 रोज़ रह गए हैं, इसके बाद रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएगा। हमसे कहा जा रहा है कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, हम सोचें तो हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। हमारी ज़िम्मेदारी फ़कत ये नहीं है कि हम बाप दादा से एक आती हुई रस्म को अंजाम देते चले जाएँ, नहीं नहीं, हमें सोचना है कि इनके पीछे एक राज क्या है कि जो हमसे ये चीज़ें मांगी जा रही हैं। कसरत से तिलावत कलाम पाक करो, क्यों? जहाँ नबी करीम बयान कर रहे हो कि जिसमें तुम्हारी सांसें भी तस्बीह हैं, तुम्हारी नींद भी इबादत है, यानी अजीब है माह रमज़ान मुबारक, सो रहे हो इबादत का दर्जा मिल रहा है। क्यों भाई, सोने पे इबादत कौन सी, रोज सो रहे हैं इसमें कौन सी इबादत है? ये वो इबादत है कि इसकी बदौलत तुम्हारे ज़बान, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा नफ्स, ये सब महफूज, ये सारी चीज़ें अपनी जगह महफूज हैं। तो जितना तहफ्फुज अपने नफ्स का होता चला जाएगा उतनी कमाल पैदा होता जाएगा। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम माह रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल इस अंदाज से करें कि अपने को तैयार करें उन मानों की तरफ जिन मानों की तरफ परवरदिगार आलम ने और उसके नबी ने और आइम्मा अथार ने हमें बुलाया है। फ़कत एक रस्म के तहत चीज़ों को न करें, बल्कि इखलास के साथ चीज़ों को समझ बूझ कर अंजाम दें। परवरदिगार हमारी तौफीकात में इजाफा फरमाए। वाकुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर कल रात 8 बजे इसी प्रोग्राम सच्ची ज़िंदगी में बनारस का दादार यूट्यूब चैनल पे नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।